ऐसा होता है गुरु गुरुदेव जी की हम आठ जन्म तक पीछे जा सकते हैं और देख सकते हैं हाँ, कि हमने हाँ, क्या हाँ, गलत किया है जा सकते हैं आजकल तो इस, इसको एक थेरेपी के रूप में यूज कर रहे हैं ना साइकोलॉजिकल क्लिनिक में। कलयुग ऐसा कोई बुरा नहीं है क्या त्रेता युग कम था क्या क्या सतयुग में नहीं थे क्या राक्षस कैसे कैसे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ये सब थे

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक करोड़ फॉलोअर्स वाले प्रसिद्ध यूट्यूबर्स हैं उनके प्रभावशाली हिंदी पॉडकास्ट ने केवल दो वर्षों की अवधि में तेजी से भारत के सर्वश्रेष्ठ में से एक रूप में मान्यता प्राप्त की है आज रात वो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के साथ एक विशेष बातचीत करेंगे हम आपका स्वागत करते हैं तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में और गुरुजी ये मोमेंट मेरे लिए पर्सनली बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि मेरी फैमिली पिछले 20 साल से आर्ट ऑफ लिविंग वॉलेंटियर्स हैं और हम बहुत छोटे छोटे होते थे जब आप नोएडा आते थे और हमारा काम होता था हमारे पेरेंट्स हमें आपके पास लेकर आते थे हमारा काम होता था बस जा के के पैर छू के आ जाने फिर खेलना है तो जब... पैर चूक के भाग थे, प्रशार ले गया, भागा। <laughs> और मम्मी आके पकड़ के आपको बोलते थे अरे झुको झुको प्रणाम करो। <laughs> गुरुजी, वो दिन है और आज आपके साथ यहाँ पर बैठे हैं और इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती इसका एक और भी रीजन है गुरुजी। हम लास्ट दो साल से पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हम ये सोचते थे व्हाट नेक्स्ट अगला क्या करेंगे तो हमारे माइंड में था कि कभी हम लाइव पॉडकास्ट करेंगे लाइव ऑडियंस के साथ पर कब करना है कैसे करना है ये कुछ प्लान नहीं था और आज भी हमारा जो पॉडकास्ट था वो एक क्लोज इन्वायरमेंट में होने वाला था पर आपने हमारे लिए एक नया रास्ता खोला और ऐसे खोला उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गुरुदेव हम अपने पॉडकास्ट पे टॉपिक पे इंटरनेट पे आजकल लोगों को आ, डार्क एक्सपीरियंसेस भूत प्रेत एग्जॉसिज्म स्टोरीज सुनना बहुत पसंद है लेकिन आपकी हमने एक वीडियो देखी थी जब न्यूयॉर्क में आपसे एक एंजल मिलने आई थी आपने उसके बारे में इंस्टाग्राम पे डाला था तो आज हम चाहते हैं कि अगर आप कुछ ऐसे और हमने ये भी सुना है बहुत सारे ग्राम देवता आपसे आश्रम में मिलने आते हैं अगर आप कुछ ऐसा इंसिडेंट या स्टोरी कुछ पॉजिटिव एनर्जी की हमें बता सकते हैं कुछ एक्सपीरियंस हाँ बहुत सारे जब हम अपने आत्मज्ञान में बैठते हैं तो सारी देवता हमारे पास आते हैं तो ये तो देवताओं का यही वो है ना श्लोक बोलते हैं यह द्वारा निकला परिषद ये द्वारे जिसके द्वार पर सारे देवताओं के समूह सिद्धिन विदत्त दिन रात सिद्धि देने के लिए तैयार होते हैं दैवी शक्ति के बगैर कोई काम बड़ा काम हो नहीं सकता और बड़ा काम होने के लिए दैवी शक्ति का कैसे हासिल करें वो अपने आप में विश्राम करें ध्यान करें ध्यान में जाएं, भक्ति में रहें तो देवता लोग वो दासों के दास है भगवान तो, तो इस तरह से सब दैवी शक्ति होते हैं देखो एक देश के जब प्रधानमंत्री एक जगह जाते हैं तो वहाँ वहाँ के मुख्यमंत्री भी जाएंगे वहाँ के कलेक्टर भी जाते हैं आईजीपी जाते हैं डीजीपी जाते हैं विलेजक जा, जो मुख, अध्यक्षा है गांव के वो भी जाते सब जाते हैं कि नहीं ऐसे जो सबसे ऊंची बात है उसको हम पकड़ लें उसके साथ साथ ये सारे के सारे परिवार जुड़ने लगते हैं देवताओं के पर आ, गुरुदेव जी ऐसा होता है कि ग्राम देवता जो होते हैं वो किसी एक ही पर्सन की बॉडी में आते हैं एंड दे चूज अ पर्सन की हाउ डू दे चूज कि उन्हीं की बॉडी में आना है लाइक डू दे सर्च फॉर अ परफेक्ट सोल प्योर सोल की मैं इन्हीं की सोल में आऊँगा या फिर कुछ ऐसा होता है कि दे लुक फॉर पर्टिकुलर थिंग दो बात होती है एक तो ग्राम देवता की जो आवेश आता है वो परंपरागत हो तो आता है उनके दादा में आता पर दादा में आता पिताजी में आते थे या माँ के लाइन पर वो एक परंपरा से चली आती है दूसरा व्यक्ति की साधना से आती है तीसरी जो वो बात है वो कृपा से होती है किसी को ऐसी किसी के ऊपर ऐसे मेहर हुआ कृपा हुआ फिर उनके ऊपर आने है। जिसका दिल स्वच्छ है साफ़ है सबके लिए काम करने का मन है तब वो वास्ता है और यदि व्यक्ति के भीतर और कुछ बातें हैं मैंने नेक नहीं हैं तब देवता के नाम लेके कोई छोटे मोटे जो स्पिरिट्स होते हैं ये उन पर प्रसवार हो जाते हैं मगर इन सबसे ऊंची बात यही है कि जब जीवन में गुरु होते हैं गुरु के आशीर्वाद से होते हैं और गुरु होते हैं तो कोई भी नकारात्मक चीज़ें आसपास आ ही नहीं सकते ना कोई भूत ना कोई पिशाच ये सब दूर दूर तक नहीं आ पाते इसलिए किसी एक पथ को चुनकर उस पथ पे चलना बहुत आवश्यक है गुरुजी एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में कि आ, यहाँ पे मौजूद सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जब जागरण होता है तो माता जी की चौकी आती है या फिर अभी बात हो रही है ग्राम देवता के बारे में सब लोग वो देखते हैं एक्सपीरियंस करते हैं बट यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग रियली डिफरेंट कि आपके आपको दर्शन दिए एक एंजल ने ये अमेरिका की बात है तो मैं वो एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ हाउ इज़ दैट डिफरेंट बिकॉज वो तो हम यहाँ पर बैठ के एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हम श्योर sure. किसी ने भी नहीं किया होगा जैने कहा ना हर एंजल बने उनका कोई व्यक्ति रूप के नहीं आके बैठ जाते तुम्हारे सामने इस शक्ति है रोशनी है प्रकाश के रूप में मौजूद हो जाते हैं जैसे ठंडक मिल जाता है एक अप्राकृतिक दिव्य मानुष्य रूप में वो प्राकृतिक नहीं है वो शरीर देवताओं का शरीर प्राकृतिक नहीं है जैसे बादल है इस तरह से ज्योति है ज्योति तो प्राकृतिक नहीं बोल सकते तो ज्योति रूप में आते सो so, ऐसे आए थे एक बार आए थे पूछते कि आप हम क्या कर सकते हमने कहा कुछ नहीं <laughs> गुरुजी वो हिंदी बोलते <laughs> नहीं भाषा के परे की भाषा होती है वो जिस भाषा में कोई शब्द नहीं होते मगर दिल समझ लेता है गुरुजी आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे कोर्सेज हैं और उनमें से एक कोर्स है पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस कोर्स तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो कोर्स आपने क्यों बनाया क्यों इंसान को ज़रूरत लगती है कि वो पास्ट लाइफ में जा कर देखे या एक्सपीरियंस करे ना वो कोई मुख्य नहीं गौण है गौण बात है मान लो जब तुम जाते हो एयरपोर्ट में इधर उधर तो जब आप रेस्टोरेंट में बिल पे करने जाते हो वहाँ एक कटोरी में कुछ मिठाई भी रखते हैं या सौंफ रखते हैं वो भी मुंह में डाल देते आते आते भोजन के बाद सौंफ तो लेते हैं ना मुकवास ऐसे बहुत लोग चाहते थे हम एक क्यूरियासिटी तो होती है हम लोगों में कि मैं क्या था पहले कहाँ जीवन जब अनंत है बड़ा है तो क्या रहे होंगे हम पिछले जन्म में ये जानने की उत्सुकता थी वो तो बाएं हाथ की खेल है वो कोई बड़ी बात नहीं इसलिए वो उसका कोर्स हमने लगाया कि जिनको चाहे वो दो तीन घंटे बिताए हैं तो अपना सात आठ जन्मों के बारे में जान ले अपने मन को पीछे ले जाओ तो वो एक ट्रेन अच्छे से प्रशिक्षित शिक्षक होंगे साथ में वो बैठेंगे तुम्हें हाथ पकड़ के ले जाएंगे वो तो दिखा देंगे ऐसा होता है गुरु, गुरुदेव जी की हम आठ जन्म तक पीछे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि हमने हाहा, क्या हाहा, गलत किया है जा सकते हैं आजकल तो इसको एक थेरेपी के रूप में यूज़ कर रहे हैं ना साइकोलॉजिकल क्लिनिक में रिग्रेशन एक थेरेपी है किसी को किसी तरह की मा, मन मानसिक समस्या है मन की परेशानी है शारीरिक कुछ बीमारी हैं कुछ है जो छूट नहीं रही है तो दुनिया भर के क्लिनिक में आजकल ये कराते भी हैं मगर हम अपना जो करा रहे हैं वो और मूल रूप से करा रहे हैं वो वहाँ तो रिग्रेशन कराते हैं विदेशों में अपना जो करा रहे ये जो मूलभूत रूप से ध्यान मूलक उसको ले जाते हैं। ध्यान पूर्वक तो लोगों को अच्छा लगता है उसके बाद एक दृष्टि विशाल हो जाती है अभी घर में भाई बहन के बीच में झगड़ा है भाई भाइयों के या सास ससुर के बीच में झगड़ा है बहू और साँस की तो ये सब थोड़ा थोड़ा पता लगने लग जाता है कौन क्या थे क्यों ऐसा क्यों है ये सब पर गुरुदेव जी ऐसा नहीं होता कि आप ये फिक्स ही नहीं कर सकते सास बहु वाला चलता ही रहता है <laughs> क्योंकि इनकाउंटर है कि ये होता ही होता है तुम्हारा ऐसा अनुभव है क्या <laughs> गुरु जी बहुत जल्द होने वाला है इनका मुझे लग रहा है <laughs> गुरु जी ये तो बात है मगर उसको देखो जब बम्पी रोड में जाते हैं थोड़ा सा सड़क तो बम्पी होती है तो थोड़ा सा जर्ख तो मिलता ही है वहाँ पर मगर इतना भी बम्पी नहीं होना चाहिए गाड़ी गाड़ी पलट जाए तो वो ठीक है इसलिए ये इस सब साधना ध्यान करते रहे तो हर तरह की समस्या को हम सुलझा सकते हैं गुरुजी आप क्या थे पिछले जन्म में वो मैं नहीं बताऊंगा <laughs> <laughs> कुछ हिंट कभी जान लेंगे लोग सब <laughs> वो टाइम आएगा हाँ अच्छा गुरुजी आपसे इतने सारे लोग मिलते हैं सबका मिलने का तरीका अलग होता है मैं वैसे एक जानना चाहता हूँ कि एक गुरु से मिलने का सही तरीका क्या होता है देखिए गुरु मिल... से मिलने का सही और गलत तरीका नहीं होते जैसे माँ से मिलने तो कैसे मिलते हैं कैसे भी वो मिलते हैं ना माँ को ये नहीं कहते माँ अच्छे से कपड़े पहन के आके माँ से मिलूँ या गंदा हूं तो नहीं मिलूँ भूकाओ तो नहीं मिलो ऐसा तो नहीं है ना माँ के पास तो 24 घंटे कभी भी मिल सकते हैं ऐसे गुरु के और शिष्य के बीच में कोई अवरोध नहीं कोई बैरियर नहीं कोई तरकीब भी नहीं ऐसे ही मिलना चाहिए भी नहीं सहजता गुरुजी लेकिन जैसे आजकल का हमारा यूथ है वो इन चीज़ों में काफ़ी कम बिलीव करता है कि वो ये सोचता है कि मैं अपनी लाइफ खुद लीड कर रहा हूँ और कोई और नहीं चला रहा बिल्कुल कि डेस्टिनी में भी बहुत ही कम मानते कि डेस्टिनी भी होती है और इस इम्पोर्टेंस का भी कम है कि नहीं बहुत अच्छा है ये ठीक है खुद पर खड़ा होना है मैं खुद ही सब करूँ एक गुरु के पास जाएंगे वही यही कर कराएँगे ये इसके सक्षम बनाते हैं गुरु देखो आप फुटबॉल खेलना हो क्रिकेट खेलना हो तो भी एक कोच की ज़रूरत पड़ती है ना भाई अच्छा आ, कार ड्राइव करना हो पहली बार तो वो भी एक ज़रूरत पड़ती है ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो समग्र जीवन में विकास करनी हो और गाइडेंस के बिना मैं ही करती हूँ करूँगा करके कोई निकले तो वो संभव नहीं है संभव नहीं है। लाखों में एक को ऐसा हो सकता है वो पूर्व जन्म की वासना के वजह से नहीं तो मुश्किल ही है तो एक गुरुजी का होना जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। गुरु के बिना गति नहीं है ये तो हम लोगों ने इस देश में कब से सुना है और ये बात है और दुनिया भर में ये बात है जैसे माँ के बगैर जन्म नहीं है गुरु के बिना गति नहीं है गुरुजी आप वर्ल्ड की एक्सट्रीम जगहों पे जाकर जहाँ एक्सट्रीम टेररिज्म है वायलेंस है वहाँ पर जाकर आप एकदम पीसफुल माहौल क्रिएट कर देते हो तो मैं जानना चाहता हूँ आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा क्या है जो आप मन के विचार बदल देते हो सामने वाले के और हम कैसे वो सीख सकते हैं कि हम इतने इन्फ्लुएंशियल हो जाए कि हमारे सामने जो है वो कुछ अरे भाई यही तो कर रहे हैं है। हम इसी तो टीचर्स इतने लिए तैयार कर रहे हैं <laughs> हमारे किसी भी शिक्षक से ऐसे टीचर से तुम तो बात करके देखो वो भी सब यही करते हैं लाखों करोड़ों लोगों का मन यही ऐसे ऐसे में कर देते हैं शांत कर देते हैं खुश कर देते हैं इसलिए अपना शिविर को भी हैप्पीनेस वर्कशॉप करके ही बोल बोलते हैं जगह जगह और जो भी अपना संगत होता है उसका नाम ही आनंदोत्सव तो ये वेन यू आर हैप्पी फ्रॉम विदिन फीलिंग तो हाँ अंदर से अब खुश हैं तनाव मुक्त हैं अप्रेम हैं दिल में प्रेम है दिमाग साफ है और जो भी हम करते हैं वो प्रामाणिकता है उसमें तो साहज ही सबको पसंद आता है किसी को ये नहीं लगता कि देखो हम इतने देश घुमाएं किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता ये कोई विदेशी आए कोई पराया से हम बात करें किसी को नहीं लगता ना हमको ऐसा लगता है कि हम किसी और देश में आ गए सो so, एक आत्मीयता अपनापन जो हमारे में है तो औरों में भी होने लगता है सब में आने लगती है यही तो वसुधै कुटुंबकम कुटुम्बकम ये सिर्फ नारा नहीं है वो साकार हो उठता है अपने यहाँ बट गुरु जी हाउ डू यू ट्रिगर दैट इमोशनल पार्ट क्योंकि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट है और वो इमोशनल होता ही नहीं है सो हाउ डू यू मतलब ऐसा कहते कहें कि वो ट्रिगर हो जाता है वो उसका इमोशनल पार्ट कि वो फिर सोचने लग जाते कि अच्छा ये बुरा है ये अच्छा है मतलब डिफरेंस कैसे क्रिएट करने लगता है क्योंकि इस बुद्धि वाले ऐसे इंसान तुमने तो सुना है अंगुली माला कैसे बदल गया बुद्ध को देखते उसका मन बदल गया मन तो तरंगों से है ना अपने से अपने भीतर अच्छा तरंग है सात्विक तरंग है वो दूसरों को असर करता है अच्छा ये ही देखो ना तुम एक व्यक्ति गुस्से से भरा है उसके सामने खड़े हो तो तुम्हें भी गुस्सा आता है कि नहीं आ जाता है ना जब गुस्सा सांक्रामिक है ऐसे ही प्रेम भी सांक्रामिक है गुरु uh, जी जैसे uh, एक तो बा, एक बात बात होगी कि किसी आदमी से बात करना वो कैदी है या फिर जो एकदम एक्सट्रीम इमोशंस वाला है बट वेन इट कम्स टू अ टेररिस्ट वो एक अलग ही माइंड वाले हैं सो आई आई वॉन्ट टू नो कि वैन यू टॉक टू अ टेररिस्ट वाट इज़ देट वन क्वेश्चन दट यू वास्टर दैन कि हाउ डू यू इंस्टिकेट दैट कॉन्वर्सेशन हाउ डज़ इट गो भाई एक टेररिस्ट को जब मिलते हैं तो वो अपने आप बोलने लगे भाई हम कुछ नहीं बोलते चुप रहते हैं <laughs> <laughs> वो खुद के खुद जो भी बोलते हैं सुनते हैं और उनकी गति कुछ और होती है फिर धीरे 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 वो नकारात्मकता से वो सकारात्मक हो जाते हैं हम तो बैठ के राम झरो के बैठे सबका मुजरा लेते हैं <laughs> अच्छा गुरुजी हम तीनों स्कूल के फ्रेंड्स हैं और हमने आपके बारे में सुना ऐसा कि आप स्कूल मतलब बहुत छोटी उम्र से आप भगवत गीता पूरी याद थी आपको आप बहुत ध्यान में लीन रहते थे लेकिन हम जैसे जो शरारती बच्चे होते थे स्कूल में ऐसे लोग लगता, <laughs> लगता मतलब आपकी शरारते थोड़ी हाँ हम हाँ, हाँ, भी काफी शरारत थे तो कुछ शरारत ही थे और अभी भी हूँ और मैं हर युवाओं को यही कहता हूँ कि शरारतीपन जो है ये युवाओं का लक्षण है इसको नहीं छोड़ना <laughs> तो, हाँ। तो गुरुजी मैं आपकी थोड़ी स्कूल लाइफ के बारे में मगर हमारा शर जो हमारी शरारती से हमारी शरारत से किसी को कभी दुख नहीं पहुंचा किसी को ठेस नहीं पहुंचा तो मैं गुरुजी जानना चाहता था आपकी थोड़ी स्कूल लाइफ में आपका आपका ग्रुप कैसा था आप लोग कैसे मजे करते अरे मैं तो वर्तमान में रहने की बात करता समझते अब देखो हमारे सामने इतने लोग स्कूल ये सब स्टूडेंट ही तो है अब आप तो आपके स्कूल चल रहे है हमारा स्कूल तो चल रहे है कई स्कूल देश भर में दुनिया भर में स्कूल ही स्कूल है और स्कूल में जो है जो पास हो जाता है वो ठहर जाता है यूजली स्कूल में पास जा पास हो जाता है वो निकल जाता है जो फेल होता है वो रुक जाता है यहाँ नहीं। यहाँ जो पास हो जाता है वो अपने में ठहर जाता है और जो वो ठहरता है तो उससे दस और स्कूल उसी से शुरू हो जाते हैं गुरुजी जैसे हम अभी पास्ट लाइफ की बात कर रहे थे कि पास्ट लाइफ जाननी चाहिए एक ये भी होता है कि रीबर्थ काफी ज्यादा टर्म हमने सुना है इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या रीबर्थ रियल होता है और अगर होता है तो क्या सिर्फ उनका होता है जिनकी अनटाइमली डेथ होती है पास बर्थ पर तुम्हें यकीन आ गया तो रीबर्थ पर भी यकीन अपने आप आ गया तो पास कभी उनको पास लाइफ होने से तो रीबर्थ हुआ ना वो तो तुमने मान ही लिया <laughs> नहीं बट तो वही आगे से बड़ा ही बनेगा बने भाई पर गुरुजी ऐसा ऐसा डराया जाता है कि अगर तुम इस जन्म में ऐसा ऐसा करोगे नेक्स्ट जन्म में नॉन वेज तो, खाओगे तो फिर वो तो, तुम्हें खाएगा अगले जन्म में ऐसा भी कहा जाता है <laughs> <laughs> तो ऐसा होता है कि और नहीं और ऐसा भी कहा जाता है कि इंसान तो इंसान योनी में जाएगा ये योनी का कल्चर भी एक नया आ गया है आजकल इंटरनेट की वजह से कि इतनी चौरासी लाख योनी है प्रेत योनी और ये मनुष्य योनी तो गुरुजी इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा इजी करो हमारे लिए <laughs> <laughs> वो बस इसीलिए तो आए बैठे हम गुरु का काम यही है कि ये सब जंजाल से ये बड़ा भयानक लगता है अपने आप एक अदृश्य में जिसके बारे में कुछ नहीं जानता रे भाई आज जी होने पर भी गाड़ी चलाने में हम लोगों को दिक्कत तो होती कोई नई जगह जाना हो तो ये बिल्कुल ही अनोन एरिया है उसमें चलना हो तो डर तो होता ही इसीलिए गुरु का धारण करने का अपना पुराना तरीका है जैसे आप स्विमिंग सीखना चाहते हो ये इतना जानते हो वहाँ बाजू में कोच खड़ा है तब तुम कूदोगे पानी पे नहीं तो लाइफ जैकेट होने पर भी कूदने में डर लगता है कि नहीं लगता पहली बार सीखने हो तो है ना इसी तरह से ए, मगर तरह तरह की योनि तो है शरीर तो है जो हमारे मन में सबसे गहरा इम्प्रेशन है वही हमारा दूसरा जन्म का कारण बनता है। इसलिए इम्प्रेशन जो है हमारे मन में कोई इम्प्रेशन पढ़ ना दे पढ़े तो उसको साफ करते जाए ये कहा वर्तमान में जीते रहो तो यही यही है अध्यात्म ज्ञान है इसीलिए कि जीवन को यहाँ पर सुख सुखी रहे और यहाँ से आगे जाने वाले यदि जन्म होता उधर भी सुख का अनुभव हो यही इसका उद्देश्य होता है गुरुजी पीयूष ने भी लेकिन एक सवाल पूछा था कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग थोड़ा सा फ्रेंड होने वाले हैं आई एम श्योर बट क्या ऐसा जेनवनली होता है आपके हिसाब से कि नेक्स्ट देखो आजकल तुम इंटरनेट में ही देखो वीगन ले लिया लोगों ने दुनिया भर दुनिया भर और जिनको नॉनवेज का आदत बन गया उसके लिए मॉक मीट बन रहा है सोया मीट हो रही है जगह जगह नॉनवेज का क्या हमारा शरीर का नहीं मांग है जीव का मांग है स्वाद का मांग है स्वाद के लिए तरह तरह की चीज़ें जो हेल्दी है ये देख रहे हैं वैज्ञानिक तौर से ही देखो ना तुम बाकी तो छोड़ दो एक तरफ से वैज्ञानिक तौर से देखोगे तो शरीर के लिए अति उत्तम है शाकाहारी चालीस साल पैंतालीस साल पहले जब हम विदेश घूमते थे नामो निशान उन्नी था ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें फिंगर चिप्स वो मिलता था फ्रेंच फ्राइज इसके अलावा कोई वेजिटेरियन चीज़ होती नहीं थी और कोई वेजिटेरियन खाते तो लोग उनको मजाक उड़ाते घास फूस खा रहे आज ऐसा नहीं आज दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ में मीटलेस डे मनाया जा रहा है और क्या इतनी जगह लोग कहते हैं कि शाकाहार वीगन वो भी क्या दूध तक नहीं पीते मैं तो उसके समर्थन में नहीं हूँ मैं कहूँगा दूध वगैरह लेना चाहिए वीगन बनने की चेष्टा मत करो मगर शाकाहार अवश्य अपनाओ शाकाहार में भी क्या हेल्दी फूड हेल्थ कॉन्शियस फूड आजकल बहुत चल पड़ा है तो इस इस लिहाज से देखोगे इससे मन भी प्रसन्न रहेगा ये जो भी खाना हम खाते हैं उसको अच्छे से डाइजेशन होना चाहिए और मीट खाएंगे तो डाइजेशन सिस्टम पे वो नहीं आ, सही करता है और हम एक एक टाइम का भोजन अभी डाइजेस्ट ही नहीं हुआ उसके ऊपर और हम डालते जाते हैं फिर क्या होता है धीरे धीरे टॉक्सिनस बढ़ने लगता है शरीर में और यंग उम्र में हार्ट अटैक और कैंसर की बीमारी ये सब होने लगता है दुनिया में सो so, हर तरह से शरीर के लिए मन के लिए और आत्मा के लिए स्वस्थ रहने के लिए जो भोजन है वो करें वो शाकाहारी भोजन और जो अपना शरीर के लिए सुटेबल होता तो वो करें तो इससे बुद्धि भी बड़ी तीक्ष्ण होती है और नेक्स्ट जन्म के लिए <laughs> नेक्स्ट जन्म के लिए ध्यान करो और सेवा करो मन में जो भी चीज़ें बैठी हुई है किसी और के बारे में क्रोध और आक्रोश और द्वेष ये सब से मुक्त हो जाओ इन सब को हटाओ गुरुजी वैसे कहते हैं कि कर्म चढ़ जाते हैं अगर आपने किसी के साथ कुछ लेना देना रह गया तो आ, किसी के कर्म किसी पे चढ़ गए बट अब जो हम पास्ट में कर चुके हैं अपनी उम्र में वो इसी जन्म में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं किसी तरीके बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएगा कैसे हो जाएगा तो ध्यान करोगे तो इस पर हो जाएगा मेडिटेशन इसलिए करते सब न्यूट्रलाइज हो जाए अभी हम डेनमार्क में थे डेढ़ साल पहले सितंबर में वहाँ पर 600 एक गैंग मेंबर्स होते हैं ना बड़े बड़े टैटूस लगा के होते हैं लंबे चौड़े तगड़े ऐसे गैंग मेंबर्स थे सब वायलेंट करने पता नहीं कितने लोगों को गन लेके कर मार वार दिया ऐसे छः हजार लोग इन लोगों ने सुदर्शन क्रिया करी इनके जीवन में परिवर्तन आ गया पिछले सात आठ साल से फिर उनका आग्रह से हम गए उनसे मिलने जब हमसे मिले उन लोगों ने कहा गुरुदेव हमने जो पाप किया है कितने लोगों के जीवन में दुख लाए इससे हमें माफ हमें मुक्त हो सकते हैं क्या इससे हमको माफ़ी मिलेगी क्या पूछ रहे थे हमने कहा अवश्य जैसे भी तुम्हारा भूतकाल रहा हो अभी वर्तमान में तुम सतपथ पे चल गए चल पड़े वर्तमान में तुम्हारा दिल साफ हो गया प्रेम है और सबके लिए कुछ करना है करने का उमंग है उम्मीद है मान लेना वो सब माफ़ हो जाएगा गुरुदेव अभी सब बहुत मैंने हमेशा देखा है जब आपके कितने इंटरव्यूज़ देखे हैं अभी भी आप लाइफ को बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखते हो हमेशा पॉजिटिव बात ही करते हो और अभी हम देख रहे हैं आपसे इतने लोग जुड़ रहे हैं सब लोग अच्छा हो रहे हैं सब लोग वीगन हो रहे हैं मतलब वेजिटेरियन हो रहे हैं तो गुरुदेव ऐसा क्यों कहा जाता है कलयुग का अंत बहुत बुरा है जब सब अच्छी तरफ चल रहा है अभी और क्या सच में ऐसा होगा जो जितना कलयुग का अंत स्कैरी बताया जाता है देखो कलयुग ऐसा कोई बुरा नहीं है क्या त्रेता युग कम था क्या क्या सतयुग में नहीं थे क्या राक्षस कैसे कैसे हिरण्यकशू हिरण्याक्ष ये सब थे कोई घर में बैठ के हरिओम बोलते ताकि गला दो उठने आ जाते थे कम से कम आज ऐसे तो नहीं है कलयुग में हम लोग हैं हर कलयुग इतना बुरा क्यों युगों को क्यों दोष दे रहे हैं भाई किस युग में नहीं थे राक्षस क्या त्रेता युग में नहीं था क्या सीता मैया को उठा के नहीं ले गया क्या रावण द्वापर युग में कौन कम थे क्या कोई तो कलयुग में भी होते देखो ये सब प्रकृति के हिसाब से चलता रहता है कुछ अच्छा कुछ बुरा कुछ लोग ऐसे कुछ लोग वैसे तो युग को दोष देना नहीं हाँ कई इस तरह कहे हैं इसका मतलब कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग में बहुत आसान है तुम्हें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं बैठ के नाम करो ध्यान करो इसमें हो जाए तो कलयुग की अपनी विशेषता भी है इसलिए हम कलयुग को बुरा नहीं माने गुरुदेव मेरा एक क्वेश्चन है आपसे अभी हम रिसेंटली एक पॉडकास्ट कर रहे थे उसमें ये कंक्लूजन निकल के आए कि कलयुग में कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डू रियल लव एग्जिस्ट कि हम रिलेशनशिप्स में भी देखते हैं पार्टनर्स में भी देखते हैं तो चीज़ें काफ़ी मटीरियलिस्टिक तरीके से हम पार्टनर्स ढूंढते हैं कि अच्छा इसके पास ये है तो मेरी सहूलियत है इनके साथ तो मैं इनके साथ रहूँगी या रहूंगा इट्स बोथ वेज सो आई वॉन्ट टू आस्क यू एग्जिस्ट रियल लव लव इज रियल प्रेम सच्चा है अच्छा वो सच्चा प्रेम कभी ढक जाता है प्रेम के साथ अज्ञान मिल जाए तो अज्ञानता माने मूढ़ता हो तो फिर गुस्सा फिर क्रोध आता है फिर जलसी आती है लोभ आ जाता है ये सब आ जाता है यदि प्रेम के साथ ज्ञान हो होश हो विशाल मनोभावना हो तो प्रेम तो आनंद खुशी देती है खुद को भी और सबको भी प्रेम सच्चे की नहीं झूठ है कि ये आंकना ही गलत है प्रेम हमेशा सच्चा होता है उसका अभिव्यक्ति का नासमझ हो सकती है उसका अभिव्यक्ति का कम ज्यादा हो सकती है बस इतना ही है हाँ स्वार्थ निस्वार्थ प्रेम भी है क्या ये पूछोगे तो है हर माँ अपने बच्चे को निस्वार्थ रूप से ही प्रेम करती हर गुरु अपने शिष्यों को निस्वार्थ रूप से प्रेम करते पति पत्नी में वो बात आजकल नहीं हो सकती है हो शायद नहीं होगा ऐसा नहीं ये नहीं बिल्कुल भी नहीं ऐसा नहीं थोड़ा कम हो सकता है उस दिनों के तरीके से शायद नहीं होगा जैसे तुम्हारे दादा परदादा के टाइम पे रहे होंगे माता पिता के टाइम पे नहीं रोए पति परमेश्वर बन गए तो इस तरह से देखने का वो बात शायद नहीं है इधर हाँ एक दूसरे का सम्मान करें रिलेशनशिप पे सबसे अधिक है तुम अधिकार जमाओगे तो वहाँ प्रेम टूट जाता है समझ के साथ आदर करोगे एक दूसरे के सम्मान रखोगे समझ के साथ सम्मान रहे तो रिलेशनशिप के क्यों टूटता है तनाव के वजह से रिलेशनशिप टूटते हैं आजकल क्यों व्यक्ति खुद तनाव से बढ़ाए हुए होते हैं फिर सबको संशय के दृष्टि से देखते हैं किसी से प्रेम हो गया तो फिर उनको पोलिसिंग करने लगते हैं फिर बीसों प्रश्न पूछने लगते हैं फिर उस व्यक्ति को व्यक्ति तंग आके बोलता है भाई बाप रे बाप इससे भागो दूर ऐसे होने लगता है इसलिए जो संतुलन जीवन में यदि बिगड़ जाता है संबंध भी बिगड़ जाते हैं मन की संतुलना बनाए रखोगे तो संबंध भी अच्छे फल पेंगे अच्छे रहेंगे पूज्य गुरुदेव यदि किसी की कुंडली जागृत हो चुकी है तो उसे कैसे बंद करें देखो ये जनरल प्रश्न पूछ के जनरल उत्तर की अपेक्षा मत करो वो गलत होगा किसी किसी की एनर्जी ऐसी चढ़ जाती है कि गलत तरीके से उत्तर उसके लिए कई तरीके हैं वो आप शिक्षक से मिलिए वो बताएंगे आपको कभी कभी किसी को नींद नहीं आती बहुत एनर्जी होती है तो हम कहते हैं कुछ नहीं जाके प्याज लहसुन अच्छे से खा लो खूब खूब खा लेना भोजन खूब कर लेना बैठ के एक आध मूवी देख लो <laughs> तो शांत हो जाए खाना आ जाती है उससे तुम्हारी एनर्जी थोड़ा डाउन है आप किसी भी सिनेमा थिएटर के पहले जाते वक्त लोगों का फ़ोटो निकालो और थिएटर से बाहर आते हैं फिर उसका फ़ोटो निकालो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा तीन घंटे वहाँ बैठ के लगातार वो पर्दे देख देखे, देख के देख देख के वापस आते हैं तो थके से लगते हैं कि नहीं हूँ उनका चेहरा क्या एकदम ताजगी से रहेगी या थका सा थका हुआ सा लगता है ऐसे आम, कुछ थकने जैसे काम करो या वॉकिंग करें या फिजिकल काम करें योगा करें ये सब करें तो आपकी एनर्जी बैलेंस होने लगता है और भी कुछ है तो अपने शिक्षक से मिलिए बात करिए देखिए कई बहुत सारे चीज़ें इधर उधर बोलते हैं कुंडली जगा देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे ये मुद्रा कर देंगे वो मुद्रा करा देंगे शांभवी मुद्रा कर देंगे कोई और मुद्रा कर देंगे ये सब करके व्यक्ति इतने लोग हमारे पास आते हैं कि उनका पूरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है हालत ख़राब हालत में आते हैं लोग फिर उनको रिपेयर करना पड़ता है यहाँ तो रोज़ रोज की यही है मैं इधर गया उधर गया वो जब ये टेस्टेड जो प्रक्रिया से नहीं है कोई मनमानी से परंपरा नहीं है ना कोई अपने मनमानी कोई करके करा देते हैं इन, इन चीज़ों से सतर्क रहिए मत जाइए इधर उधर सो यही हमारा पहले तो हम कहते थे सब जगह जाके ज्ञान लो ध्यान लो क्या सबको सम्मान करो आजकल मैं नहीं बोलत, बोलता <laughs> तो बोलता हूँ खबरदार कहीं जाओ मत आजकल तो मैं यही बोलता खबरदार जाओ मत ये सब बिगाड़ देते थे लोग मैंने देखा इतने लोग ऐसे बिगड़े हुए देरेंट्स इफ दे आर नॉट स्पिरिचुअल कैन स्पिरिचुअली इंक्लाइन चाइल्ड चेंज द कर्म ऑफ द पेरेंट्स डू इंपैक्ट Um, the children do impact the parents, but uh, you just look into your way and go. They have been the door for you to come to the world. You have come, and then you know honor them, respect them, but don't expect them to change the way you want them to. Okay. थैंक यू सो मच गुरुजी और uh, मैं बता दूं हमको बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के थैंक यू सो मच फॉर प्रेशियस टाइम और आप, आप, हम तीनों अपने आपको जेनवनली बहुत ज्यादा ब्लेस्ड मानते हैं दैट वी आर आर गाइस सेटिंग शेयरिंग दिस प्लेटफॉर्म विद यू थैंक यू सो मच एंड ऑफ कोर्स द ऑडियंस ऑडियंस आल्सो यू गाइस हैव बीन लवली सो मच थैंक यू सो मच और दैट इज इट इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं अगर आप लोग को भी मज़ा आया तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शुभम पीयूष कुछ कहना चाहते हैं मैं कहना चाहता हूँ कि हम पहली बार लाइफ में बैंगलोर आश्रम आए हैं एंड यहाँ पे आके कैसा लगता है ये यहाँ पे आकर ही पता लगेगा तो मैं यहाँ का जो और है ना, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है मैं पहली बार अपनी लाइफ में किसी आश्रम में रहूँ एंड आई फील लवली मतलब मजा और एक चीज मैं ऐड कर दूं भाई यहाँ जो नींद आती है घर में नहीं आई आज तक नहीं आई क्रेजी नेक्स्ट इन दींद थोड़ी देर से आई गुरुजी फिर हमें रीजन पता चला एनर्जी थोड़ी हाई है तो दीन थोड़ी देर से आई पर जब आई तो मज़ा आ गया तो आ, दोस्तों मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में टिल देन आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ने की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है और आ, आप भी ज़रूर बैंगलोर आइए और मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में टिल देन बाय बाय टेक केयर हर घड़ी शुक्र तेरा जिक्र तेरा हर जगह जिक्र तेरा